नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के वीडियो में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे वेरियस टाइप्स ऑफ मिनरल्स के बारे में। बहुत सारे लोगों का सवाल था कि मुझे मिनरल्स आइडेंटिफाई करने में परेशानी हो रही है, तो आज हम लोग वीडियो लेके आए हैं जिसमें आप देख सकते हैं अलग अलग मिनरल्स है और हम उन्हें देखेंगे कौन मिनरल्स है और उसे आइडेंटिफाई करेंगे। मैं आज आप सबको अलग अलग मिनरल्स दिखाने वाला हूँ जिसमें आप कोई भी मिनरल्स जब आपके एग्ज़ाम में आपको डायरेक्ट दे दिया जाएगा प्रैक्टिकल में, तो आप उसको देखते ही पहचान जाएंगे कि ये कौन सा मिनरल्स है। ठीक है, तो एट अ ग्लैंस आप एक बार देख लीजिए कौन कौन सा मिनरल्स आपके सामने आ रहा है। उसमें से जो मिनरल्स आपके काम का है, आप वो मिनरल्स के बारे में आप वीडियो को पॉज करके आप उसे बार बार देखेंगे। बार बार इस वीडियो को देखेंगे तो जाके आप पहचान पाएंगे कि हाँ ये कौन सा मिनरल्स है। क्योंकि जैसे ही एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और आपके सामने मिनरल्स रहेगा, जब तक आप इस मिनरल्स को बार बार नहीं देखे रहेंगे तब तक आपके लिए आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा आप और देख लें कि कौन कौन सा मिनरल्स है और उसके बाद हम इस वीडियो को शुरू से और बहुत आराम से इसको पढ़ने वाले हैं। आपको जो मिनरल्स पढ़ना है आप उस वीडियो को देख लीजिए, आपका वो मिनरल्स कहाँ पे है, किस मिनट में, तो आप वीडियो को आगे बढ़ाकर आप उस मिनरल्स को देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग शुरू से पढ़ते हैं। ध्यान से इस वीडियो को देखना है और जहाँ पे भी कोई सवाल रह जाए तो आप कमेंट बॉक्स में अपना सवाल दे दीजिएगा और फिर चलिए स्टार्ट करते हैं शुरू से। सबसे पहला आपका ये है बेराइट। आप ध्यान से देखिए बेराइट आपका किस कलर का है, किस तरह का आपका दिखता है, ध्यान से देख लीजिए। ये है आपका बेराइट। उसके बाद ये है आपका फेल्सफार। जब आप एग्ज़ाम में बैठेंगे तो आपका प्रैक्टिकल में आपको डायरेक्ट ये आपको मिनरल्स दे दिया जाएगा, इसी टाइप का होगा फेल्सफार। ठीक है, अब उस टाइम वहाँ पे तो नहीं लिखा रहेगा कि ये कौन सा है नहीं है, जैसा अभी यहाँ पे देखिएगा यहाँ से लिखा हुआ है ना फेल्सफार, लेकिन वहाँ पे आपको नहीं लिखा रहेगा, तो आपको सिर्फ ये देखकर आइडेंटिफाई कर लेना होगा कि हाँ ये आपको फेल्सफार है। उसके बाद ये है आपका टॉल्क। अब आप टॉल्क को देखिए, जब आपके सामने आपको टॉल्क मिलेगा तो आप उसको अपने नाखून से जब उसको घसेंगे तो उसका जो स्ट्रिंग है वो निकलने लगेगा, तो वहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये टॉल्क के प्रॉपर्टी से मिलता जुलता है। क्यों? क्योंकि आप उसका जब कलर देखेंगे, उसका जब आप स्ट्रिक देखेंगे और तो आप वहाँ से कुछ ना कुछ अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन अभी पहले अगर आप फोटो में देख रहे हैं तो आप ध्यान से देखिए, ये आपको ग्रीनिश डार्क दिख रहा है। और उसके बाद ये है आपका एपेटाइट। ठीक है, उसके बाद आप ध्यान से देखिए इसको, ये आपको हेमेटाइट है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अलग अलग यहाँ पे रखे हुए मिनरल्स। ये है आपको बेराइल। ध्यान से देखिए, आपके सामने नाम हटा दिया जाएगा एग्ज़ाम के टाइम में, आपको सिर्फ ये रॉक ये मिनरल्स दे दिया जाएगा और आपको आइडेंटिफाई करना होगा सिर्फ देख कर कि ये है क्या बेसिकली। तो आप उनका हार्डनेस, उनका क्लीवेज, कलर, स्ट्रीक, ये सब आपको तो याद रखना ही रखना है। उसके साथ साथ आपको देख के साथ ही आप आइडेंटिफाई कर सकें कि हाँ ये कौन सा मिनरल्स है। ये है आपको बेराइल। आप यहाँ देखिए, ये है आपको क्वार्ट्ज। ध्यान से देखिए क्वार्ट्ज को, और इस साइड आपको देख रहा है, ये है आपको पैरोलुसाइट। ध्यान से देखिए, आपके साथ जैसे ही ये चीज़ शेयर किया जाएगा आप देखते ही पहचान जाएं इसको कि ये आपको पैरोलुसाइट है और ये आपको इस तरह का दिख रहा जो है वो क्वार्ट्ज है। ठीक है, आगे देखिए, फिर से आपको बेराइल, जो मैंने पहले भी डिस्कस किया था, फिर से वो आ गया बेराइल। आप ध्यान से देख लीजिए। उसके बाद ये है आपका कैल्साइट। कैल्साइट को आप देख सकते हैं ये किस तरह का है, आप देख लीजिए। ठीक है, उसके बाद फिर से आपको देखिए, मैंने जो ऊपर डिस्कस किया था पैरोलुसाइट, ध्यान से इसका स्पेलिंग भी आपको याद रहना चाहिए और देखते ही आपको आइडेंटिफाई करना होगा। ठीक है, ये है आपको पैरोलुसाइट और ये है आपको पुरोलुसाइट। ठीक है, दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है, पैरोलुसाइट और ये है पुरोलुसाइट। ठीक है,
चलिए अब आगे देखते हैं। ये आपको फिर से मैंने जो ऊपर डिस्कस किया था फिर वही आ गया आपको, ये है ऑप्रीमेंट। यहाँ से देखिए ऑप्रीमेंट येलो कलर का है। उसके बाद ये है आपको हेमेटाइट। हेमेटाइट इससे पहले हमने फिर डिस्कस किया था हेमेटाइट, और ये फिर से आया हेमेटाइट। मैं एक मिनरल्स को बार बार इसलिए ला रहा हूँ, दोबारा डिस्कस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप जब एक मिनरल्स जो आप पहले मैंने भी जो स्टडी कराया साथ में जो आप देख चुके हैं उसको फिर से अगर आप देखते हैं तो उससे क्या होता है कि आपका माइंड को रिवाइज हो जाता है। ठीक है चलिए आगे देखते हैं। ये काइनाइट ध्यान से देख लीजिए। उसके बाद ये है आपको कैल्साइट। ठीक है अब आप बोलेंगे कि कैल्साइट इससे ऊपर में आपने किसी और कलर का दिखाया था, अभी किसी और कलर का दिखा रहे। बेसिकली होता क्या है कि अलग अलग ये फॉर्म में पाए जाते हैं। ठीक है उसके बाद आप ये देख सकते हैं आपको मस्कोवाइट, जिसको आप मीका भी बोलते हैं। ठीक है कैसा होता है आप देख सकते हैं, फ्लैट लाइक स्ट्रक्चर है ना। ठीक है आप आगे देख सकते हैं, ये आपको बेराइल, जो फिर से मैं जो डिस्कस किया था फिर से वही आ गया आपको बेराइल। और ये आपको क्वार्ट्ज, मिल्की क्वार्ट्ज जिसको आप बोलते हैं। ठीक है उसके बाद ये देखिए आपका, ये है आपका गार्नेट। ठीक है गार्नेट कुछ आपको इस तरह का होगा। उसके बाद ये है आपको हेमेटाइट। देखिए इससे पहले भी मैंने हेमेटाइट डिस्कस किया था, इस बार फिर हेमेटाइट है। थोड़ा सा देखिए इसमें आप ध्यान से, तो इसमें आपको जब आपके हाथ में ये जब दिया जाएगा ना तो आपको समझ में आएगा, ये थोड़ा सा मेटलिक प्रॉपर्टी शो करता है, सब मेटलिक प्रॉपर्टी। ठीक है उसके बाद सिनेबार, ये आपको सिनेबार है। आगे देखते हैं टॉल्क, टॉक फिर से आ गया, इससे पहले भी हम लोगों ने डिस्कस किया था इसके बारे में। और ध्यान से देखिए बार बार इस चीज़ को देखने से आपका माइंड रिवाइज होगा। फिर ये देखिए आपको गार्नेट। ठीक है ये आपका गार्नेट हो गया। उसके बाद ये आपका कोरोमाइट। अब जब आप एग्ज़ाम में बैठेंगे तो आपका जब ये प्रैक्टिकल में आपको ये दिया जाएगा और नाम वहाँ पे मेंशन नहीं रहेगा तो आपको सिर्फ देख के आइडेंटिफाई करना है कि ये बेसिकली है क्या। तो आपको सिर्फ देखने के जस्ट बाद ही आपको समझ में आ जाना चाहिए हाँ ये कोरोमाइट है। ठीक है चलिए आगे चलते हैं। ये है एपेटाइट। एपेटाइट किस कलर का है आप देख लीजिए, ऑरेंज कलर का लग रहा है और इसमें ब्राउन कलर का भी थोड़ा सा मिक्सिंग है, आप देख के आप पहचान सकते हैं ये एपेटाइट है। आगे बात करें काइनाइट, आप देख लीजिए ये काइनाइट किस तरह का है, काइनाइट ब्लू कहते हैं इसको। उसके बाद ये आपको क्वार्ट्ज का सैंपल है। ये आपको देखिए पैरुलुसाइट, ध्यान से देखिए ये पैरुलुसाइट नहीं है, ये पुरोलुसाइट है। ये आपको पैरुलुसाइट तो अलग था, ये आपको पुरोलुसाइट। उसके बाद नेफलिन आपको थोड़ा सा भी नहीं दिख रहा है बट आगे जो फिर दोबारा पिक्चर दिखाऊंगा इसी का तो आपको उसमें दिखेगा अच्छे से। उसके बाद ये देखिए ये आपको बॉक्साइट है, देखे ये आपको बॉक्साइट है। और यहाँ पे जो रखा हुआ है ये वाला, ये आपको